Assalamu alaikum you guys, what is up and welcome back to my channel. I am Khadija, if you did not know that already. Aur aaj ki video mein I am going to be testing out some very organic and natural makeup for you guys. Kyunki mujhe pata hai ki kafi sare aajkal chemicals aa rahe hain makeup ke andar and I don't want you guys to be using all of them and I don't want myself to be using all of them. Main aaj aap logon ko throughout the day dikhaungi bhi ki how it wears out and everything. I am testing out Manaz lip and cheek tint. Main ab aap logon ko dikhaungi ki how I did this look. So first things first, never ever forget sunblock. सांस लेना भूल जाए लेकिन सनब्लॉक नहीं भूलना, ठीक है? उसके बाद मैं कंसीलर यूज़ करती हूँ. आजकल मैं ये दोनों मिक्स कर रही हूँ, कलर पॉप का, आई थिंक इट्स इन लाइट और आई डोंट नो, आई लीव इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और मेबेलिन फिट मी इन शेड 20. और ये कोई वियर्ड सवाल था मेरे ब्रश के ऊपर, लव दैट फॉर मी. खैर उसके बाद चलते हैं सेटिंग पाउडर की तरफ, क्योंकि गर्मियों में ये बहुत ज़रूरी है. मैं यूज़ कर रही हूँ कलर पॉप का सेटिंग पाउडर इन बनाना. लेट्स हेड ऑन टू द जूसी स्टफ नाउ. सबसे पहले हम ट्राई आउट करने वाले हैं ये गॉर्जियस लिप टिंट, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट पैकेजिंग में है एंड इट सॉर्ट ऑफ लुक्स लाइक ए लिप बाम सॉर्ट ऑफ. उसके लिए भी आप एक्चुअली इसे यूज़ कर सकते हो, पर इट्स अ टिंट, चीक टिंट है, लिप टिंट है, दोनों चीज़ों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो. एंड आई एम गोना शो यू गाइस अ आर्म स्वॉच अभी, उसके बाद अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी. बट हाउ प्रिटी इज दिस ब्लश काइंड ऑफ अ कलर, कितना नेचुरल लग रहा है ना. एंड हाइजीनिक भी है, इसके ऊपर कैप एंड एवरीथिंग. सो यू जस्ट डैब इट और बस आप अपने चीक पे इस तरह से लगा देते हो. ये काफ़ी क्विक है रिलेटिवली या क्योंकि ये ब्रश से भी बड़े अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. आई थिंक ये थोड़ा बाम बेस्ड है, सो फॉर ऑयली स्किन पीपल आई थिंक यू गाइज शुड गो अहेड विद दिस वन. ये है वाइल्ड बेरी लिप एंड चीक टिंट एज वेल, लेकिन ये वाटर बेस्ड है थोड़ा सा, तो ब्लेंड अच्छे से हो जाता है. इसमें वो स्लिप है जिससे वो ब्लेंड हो जाए, लेकिन परफेक्टली ड्राई डाउन हो जाता है और आपकी स्किन के अंदर बिल्कुल मेल्ट इन हो जाता है. मेल्ट तो वो भी हो जाता है, बट अगेन इट्स अ लिटल बिट बाम बेस्ड, बट ये वाला बिल्कुल वाटर बेस्ड है. एज यू गाइज कैन सी ये किस तरह से, यू नो, इट्स वेरी वेट और मतलब आपकी स्किन के ऊपर एक स्टेन छोड़ के जाता है, लाइक इट स्टेज देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो अगेन दीज आर बोथ द सेम कलर्स, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह का लेना चाह रहे हो. फॉर्मूला की प्रेफरेंस है सारी की सारी. और यहाँ पे मैं बड़े इंस्टाग्राम होके यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ लेकिन उसमें से कुछ निकल ही नहीं रहा, बट एनी वे. सो अब मैं इसे इस स्पंज के साथ यूज़ कर रही हूँ. ये स्पंज मैंने पर्टिकुलरली इसी के लिए रख लिया है, ये मैंने मिनीसो से लिया था और इसका फ्लैट टॉप जो है ये ब्लश ब्लेंड इन करने में बड़ा अच्छा है. और जैसे आप देखोगे अब मैं हाथ से कर रही हूँ तो ऑब्वियसली इट्स मच मोर पिगमेंटेड, लेकिन आई फील लाइक स्पंज से कंट्रोल ज़्यादा अच्छा आ जाता है, तो इसीलिए आई प्रेफर गोइंग विद द स्पंज एवरी डे यूज़ में भी. मतलब जब से मैंने ये वीडियो फिल्म की है मैं तब से रोज़ यही अप्लाई कर रही हूँ, तो बड़ा क्विक हो जाता है, यू नो, आप ऐसे ड्रॉप लगाओ और स्पंज के साथ ब्लेंड इन कर दो, तो इसीलिए मुझे तो बड़ा पसंद आ रहा है ये इसके लिए. और मे बी यू कैन पिक दिस स्पंज अप फ्रॉम मिनीसो एज वेल, मतलब काफ़ी अच्छा है इसके लिए. सो यू कैन सी अब कितना नेचुरल सा लुक आ रहा है मेरी स्किन के ऊपर. अब मैं थोड़ा सा लिप्स को भी पेप अप कर दूँ क्योंकि बड़े सैड से लग रहे हैं काफ़ी देर से, बट या उसके बाद हम चलेंगे हाइलाइटर की तरफ, जो कि है गोल्ड डस्ट हाइलाइटर. इसका फॉर्मूला भी आपके वाटर बेस्ड फार्मूला जैसा ही है, तो इसीलिए इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर योर चीक्स एंड स्टफ. दिस इज़ कॉल्ड द गोल्ड डस्ट एंड इट्स सो 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 प्रिटी. मतलब यू गाइज आर गोइंग टू सी, आर्म स्वॉच में इतना नहीं लग रहा बट फेस के ऊपर जस्ट लुक्स अमेजिंग. एंड एनी टाइप ऑफ स्किन, लाइक इवन इफ यू आर शोइंग सम स्किन लाइक शोल्डर्स या लेग्स और एनी थिंग, यू कुड पुट दिस ऑन और ये इतना कोई हसीन लगेगा ना जिसकी कोई हद नहीं है. बट या यू कैन सी देयर आई एम ब्लेंडिंग इट और ये काफ़ी चंकी नहीं है, कुछ इस तरह का मसला नहीं है इसके अंदर. यू जस्ट पुट इट ऑन द टॉप्स ऑफ योर चीक, ब्लेंड इट इन. मैं इसके लिए स्पंज नहीं यूज़ करती क्योंकि इसमें थोड़ी पिगमेंटेशन चाहिए होती है, तो मैं इसको अब उंगलियों से ही ब्लेंड इन कर रही हूँ. मैंने खुद देख लिया था लेकिन यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो आप कह रहे होंगे कि ये क्या इससे शॉक हो रही है. बट नाउ नाउ you'll see, look at that highlight, don't you love it? Oh my god, मतलब बहुत amazing है everyday natural glow के लिए. obviously ये सारी चीज़ें foundation के ऊपर मैं recommend नहीं करूँगी क्योंकि obviously water based है, you need a little bit of slip underneath, तो आपका foundation इधर उधर हो सकता है. but I think अगर आप BB cream apply कर रहे हो तो उसके लिए चल सकता है. और मैंने फ्री होके अपने नॉन एग्जिस्टेंट कॉलर बोन्स पे भी लगा लिया है. दिस इज द फिनिश लुक, आई गॉट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स ऑन इट, लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक. बीच में भी चेक इन होते रहेंगे बट जो मेन हमारा एंडिंग चेक इन होगा एंड हाउ आई फील अबाउट इट एंड रिव्यूज एंड एवरीथिंग वो मैं शाम को आ सकता हूँ.
सो दैट्स मी ऑन माई वे टू वर्क. जब मैं काम पे जा रही थी तो मैंने सोचा कि गाड़ी में थोड़ा सा फिल्म करके आप लोगों को दिखा लूँ कि एक्चुअली मैंने नेचुरल लाइट में फिल्म किया था, बट इन रियल लाइफ फोन के कैमरा से किस तरह लग रहा है. एंड आई वॉज ऑब्सेस्ड. सो आई जस्ट केम ओवर टू हाइपर स्टार टू चेयर माई सेल्फ अप अ लिटिल बिट, क्योंकि मुझे बहुत तब चढ़ी हुई थी. एंड दिस इज द लास्ट, नो द सेकेंड लास्ट चेक इन, बिकॉज यू गाइस कैन सी द ब्लश हेयर राइट नाउ. आई डोंट नो व्हाई ऑल ऑफ माई चेक इन्स आई एम इन डॉल्विन, बट दैट्स हाउ इट इज. और घर जाके बात करते हैं बाकी. आई एम डन विद टुडे, आई एम रेडी टू टेक दिस मेकअप ऑफ. और मुझे बस ये चेक इन करना था जल्दी से आप लोगों के लिए. वेट लेट मी फिक्स यू बिट स्टेप बाय स्टेप. या दैट्स मच बेटर. बस मुझे चेक इन करना था आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को दिखाने के लिए हाउ दिस ब्लश हैज लास्टेड. ऑनेस्टली इट्स स्टिल ऑन माई फेस, ये अभी भी मुझे बहुत रिफ्रेशिंग दिखा रहा है. देर इज स्टिल अ फ्लश ऑन माई फेस और अभी भी यू कैन ऑब्वियसली टेल देर इज ब्लश ऑन माई फेस. और आज का पूरा दिन मैं पहले ऑफिस गई हूँ, ऑफिस से मैं डायरेक्टली विडोमिन चली गई थी और फिर मैं वहाँ पर घूमती फिरती रही और फिर मैं वापस आई हूँ. फिर मैंने अम्मी से बहुत देर बात की है और फिर मैंने खाना शाना खाया. एंड यू नो दिस इज द फेस एट द एंड ऑफ ऑल ऑफ दिस. और यू कैन टेल, यू नो माई कंसीलर इज क्रीसिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग, बट द ब्लश इज इंटैक्ट. एंड ऑब्वियसली ग्लो तो बढ़ता ही है दिन में. ऑब्वियसली हैव यू एवर बीन टू कराची? बट या दिस इज माई फेस एट द एंड ऑफ टुडे. माई रिव्यूज आर आई एम डेफिनेटली यूजिंग इट एवरी सिंगल डे नाउ, क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट है, लास्ट थ्रू आउट डे. और ज़्यादातर जो ब्लशेज होते हैं, If you've ever used a powder blush, you would know कि आधे दिन के बाद वो सारे उड़ जाते हैं. तो this is the perfect remedy for me, I think. और समर्स में तो बहुत ईजी रहता है यार, कंसीलर लगाओ, जस्ट पुट अ लिटिल बिट ऑफ ब्लश ऑन, लिपस्टिक लगाई एंड यूर गुड टू गो. ब्लेंड करना भी इतना ईजी है. सो इट रियली डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंस. आपको ब्रश से यूज, प्लीज ऑल्सो एक्सक्यूज माई लिपस्टिक, बट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एक कन्वीनियंस. के अगर आप स्पंज यूज़ करना चाहते हो, आप अपने हाथ से करना चाहते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू. बट आई रियली फील लाइक इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट एंड ऑल ऑफ यू शुड ट्राई इट आउट. ईदर ट्राई आउट द पॉट वाला जो है जो गॉर्जियस टिंट है, या तो जो लिक्विड वाला है, डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस. मुझे एक्चुअली दोनों ही पसंद थे, बट इफ़ यू हैव ऑयली स्किन आई वुड नॉट रिकमेंड द डब्बी वाली टिंट, बिकॉज इट वॉज क्वाइट, it wasn't greasy but it was a little bit, it had a bit of slip to it, whereas jo aapka tint tha bottle wala, it was water based, isliye aapki skin mein wo absorb ho jayega. So if you have oily skin, I would suggest ki aap us side pe raho. Aur agar aapki thodi si combination dry skin hai, you can go to that side, kyunki wo thoda zyada concentrated hai. तो आप उसको यू नो यू कैन पुट अ लिटिल बिट ऑन एंड विल गो अ लॉन्गर वे, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन वॉट यू रियली वॉन्ट. सत्ती भाई हुई है जा. Honestly depends on what you want. दोनों का कलर एग्जैक्ट सेम है. मैं लिंक्स हर चीज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड गेटिंग द हाईलाइटर एज वेल. सो दैट वॉज इट फॉर माई रिव्यू. आई होप यू गाइज इन्जॉयड इट. आई होप यू गाइज लाइक द लिटिल थ्रू आउट द डे वाली क्लिप्स एज वेल. ऑब्वियसली आई डिडंट टॉक अबाउट इन ऑल ऑफ देम, बट स्टिल होप यू एन्जॉय देम. बट या That is going to be me for today. I hope you guys enjoyed this video. Check all the links in the description box. Don't forget to subscribe, like this video if you enjoyed it. I love you all so, so much, and I'll see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.